तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी वीडियो को सजेशंस में कैसे लाया जाता है। तो भाई थोड़ा सा हार्डवर्क तो देखो करना पड़ेगा। अभी मैं सीधा आपको अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर लेके चलता हूँ, मतलब अपनी इसकी डेस्कटॉप की डिस्प्ले पर लेके चलता हूँ और मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि भाई अपनी वीडियो को सजेशंस में कैसे लाते हैं और क्या तरीका है, क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए भाई, इसको लास्ट तक जरूर देख लेना, तो भाई आपकी भी वीडियो इसी तरह सजेशंस में आने लगेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सजेशन क्या होता है। सजेशन ये होता है, मानने की बात है, आप अपने यूट्यूब का नाम रखना चाह रहे हो और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो और आप अपने फ्रेंड से और यार दोस्तों से पूछ रहे हो कि भाई आप मेरे को सजेस्ट कर दो कि मैं अपने टैग चैनल का क्या नाम रखूं, या मैं अपने कॉमेडी चैनल का क्या नाम रखूं, या आप किसी भी निश के चैनल का मैं क्या नाम रखूं। मतलब आपने अपने फ्रेंड से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, सब से आपने अपना आइडिया शेयर कर दिया और उनसे सजेशन ले लिया कि भाई आपको, मतलब सबने अलग अलग सजेशंस दे दिया, मतलब आइडियाज दे दिए बहुत सारे। तो वहां से आप जो आपको बेस्ट आइडिया आइडिया लगेगा, जो आपको बेस्ट मतलब आपको नाम लगेगा, जब आप इतनी सारे लोगों का सजेशंस ले लोगे, जो आपको बेस्ट लगेगा उसमें से आप एक रख लेना। तो इसी तरह से जब यूट्यूब पर कोई एक वीडियो सर्च करता है और वहां पर आप राइट हैंड साइड में देखते हो कि भाई जब हम ये हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, या हाउ टू ग्रो योर चैनल, या हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स, तो मतलब राइट साइड में बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, तो मतलब वो सजेशंस में आ जाती हैं कि मतलब हमने एक ही वीडियो सर्च करी, मतलब यूट्यूब हमें सजेस्ट करता है इन सब चीजों के लिए। उसके साथ साथ और यहाँ पर और भी आइडियाज हैं जो बता रहे हैं कि भाई अपनी वीडियो को सजेशन में कैसे लाया जाता है। तो सजेशन का मतलब यही होता है कि वो यूट्यूब हमें सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप ये वीडियो के बाद ये वाली भी वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि सब लोग उसी तरह का थंबनेल्स, उसी तरह का टाइटल्स, ये आता कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आता है कि भाई हमारा थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई उससे बेहतर थंबनेल है, कि मतलब सजेशन की वीडियो जो आएगी ना भाई बेहतर होनी चाहिए। जो हर वीडियो का टाइटल बहुत मैटर करता है एंड थंबनेल बहुत मैटर करता है। जब उसको लगता है कि हाँ भाई थंबनेल में बहुत अट्रैक्टिव लिखा है, चलो भाई सजेशन वाली दूसरी भी क्लिक कर देते हैं। एक तो देख लिया हमने एक यूट्यूबर की, अब दूसरे की भी देख लेते हैं। तो इसी तरह आपकी वीडियो सजेशन में चली गई और आपने थंबनेल में अच्छा नहीं लिखा, और तो फिर भाई आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करेगा कोई, ठीक है। जब तक आप थंबनेल और टाइटल पे, देखो टाइटल पे भी आपको खेलना पड़ेगा, आपको उसी जो मतलब आप पहले आप देखो थोड़े से यूट्यूब पर आइडियाज लो कि भाई किस तरह की, इस तरह की वीडियो जब हम अपनी जब ये सब टॉपिक कवर करते हो तो किस तरह के टाइटल्स उन्होंने वो लगा कर रखते हैं, तो आपको उसी तरह के टाइटल्स लगाने ताकि वो वीडियो आपकी कोई भी सर्च करे तो आपकी वीडियो भी वहाँ सर्च में आ जाए। और आपको बेस्ट मतलब अपना देना है टाइटल में भी एंड थंबनेल में भी, ठीक है। तो अब मैं आपको डिस्प्ले पर लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली भाई आपको क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी डिस्प्ले पर, और अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि भाई आपकी वीडियो सजेशन में कैसे आती हैं। अभी मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मनोज देव वगैरह, महात्मा जी टेक्निकल की यहाँ पर वीडियो आ गई हैं, और यहाँ पर आप कोई भी वीडियो लोगे इसके अंदर से। चलो हम यहाँ पर ये वाली ले लेते हैं, जीरो व्यूज प्रॉब्लम। इस वीडियो को जब आपने यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर मेरे राइट साइड में देख सकते हो सजेशंस में वीडियो आ गई हैं, हाउ टू अर्न, और भी मतलब यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड और भी बहुत सारी यहाँ पर आइडियाज मिल जाएंगे और बहुत सारी वीडियोज यहाँ पर सजेशंस में आ जाएंगी। यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, बेस्ट पार्ट टाइम जॉब एंड यूट्यूब कॉपीराइट एक्सप्लेन, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। एंड एंड अनदर थिंग इज दैट मतलब हाउ से रिलेटेड, जब आपने हाउ टू ग्रो यहाँ पर लिखा है, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट, तो यहाँ पर जितने भी हाउ वाले कीवर्ड्स होंगे वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोज ऑन गूगल एडवर्ड, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, एंड और भी यहाँ पर हाउ से रिलेटेड बहुत सारे, हाउ टू शॉर्ट वीडियो वायरल ऑन यूट्यूब, मतलब हाउ से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी मतलब हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये मतलब हाउ एक अलग कीवर्ड है, ग्रो एक अलग कीवर्ड है, यूट्यूब एक अलग कीवर्ड है, चैनल एक अलग कीवर्ड है। तो जितने भी वर्ड, जितने भी वीडियोस ये कीवर्ड्स को यूज करेंगे यहाँ पर उसके सजेशंस में वीडियो आ जाएंगी। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पर आपने जैसे 5 मिनट 20 सेकंड की एक वीडियो ली हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल 0 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, यहाँ पर आपको इससे ज्यादा ड्यूरेशंस की एक वीडियो बनानी पड़ेगी। मतलब 5 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है, आपको लगभग 5 से 6 से 7 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो से ज्यादा का ड्यूरेशन रखा तभी आपकी वीडियो सजेशंस में आएगी। मैं खाली जुन्नू की टैग की बात नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ से 10 मिनट वाली वीडियो भी लोगे, या 13-14 मिनट वाली वीडियो भी लोगे, या 12 मिनट वाली वीडियो भी लोगे, ठीक है, या 8 मिनट वाली वीडियो भी लोगे कोई भी, तो आपको उससे बेहतर बनानी पड़ेगी। मतलब उससे ज्यादा ड्यूरेशन में आपको अपनी वीडियो रखनी पड़ेगी तभी आपकी वीडियोज को
सजेशंस में लाया जाएगा, तभी आपकी वीडियो को सजेशन में भेजा जाएगा यूट्यूब के थ्रू, तभी आपकी वीडियो सजेशंस में आएगी। जब आपका जो ड्यूरेशन है से ज्यादा होगा, 8 मिनट से ज्यादा होगा, 9 मिनट का या 10 मिनट का होगा, ठीक है, तो उससे ज्यादा आप रखोगे तभी आपकी वीडियो सजेशन में आएगी। आप भाई टेक्निकल इसरार का SEO स्कोर देख सकते हो भाई, 100% SEO स्कोर आ रहा है भाई, दैट इज गुड एंड दैट इज अनबिलीवेबल भाई। हर 100% बहुत कम लोगों का आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आ जाती हैं। ये फिल्म वाली इसलिए वीडियो आ रही है यहाँ पर क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस को सर्च करता रहता हूँ, मुझे मूवीज वगैरह देखने का बहुत शौक है। सजेशंस में ये वाली वीडियो भी आ रही हैं, बाकी जब आप नीचे जाओगे तो आपको यूट्यूब से रिलेटेड भी वीडियो आनी दिखने लगेंगी, मतलब कहीं कहीं बीच बीच में यूट्यूब से रिलेटेड भी आपको वीडियो आने सजेशन में दिखने लगेगी। तो आपको क्या काम करना है कि आपको जैसा 8 मिनट की आप कोई वीडियो ले रहे हो या 10 मिनट की वीडियो ले रहे हो, मतलब जो यूट्यूब पर पड़ी है, जो टाइम ड्यूरेशन पड़ा है यूट्यूब पर इस टॉप 5 वीडियोस के अंदर, मतलब इस कीवर्ड में जो टॉप 5 वीडियोस पड़ी हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनका टाइम ड्यूरेशन देख लेना भाई। इसका 5 मिनट है, 10 मिनट है, 13.5 मिनट है, 12.5 मिनट है, 8 मिनट है, आपको इनसे ज़्यादा ही वीडियोस को इनके इनसे ज़्यादा ही ड्यूरेशन आपको अपनी वीडियो में रखना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियो सजेशन में आएगी। और एक चीज़ और, मतलब जो इन्होंने थंबनेल्स यूज़ किया है 1, 2, 3, 4, 5, जो 5 वीडियो में स्टार्टिंग की इस कीवर्ड के जो टॉप 5 वीडियोज़ हैं, जो उन्होंने थंबनेल यूज़ किया है, आपको उससे बेहतर थंबनेल यूज़ करना पड़ेगा अपने वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, तभी आपके पास ट्रैफिक आएगा। अगर आपकी ये वाली किसी ने वीडियो चला ली जुन्नू भाई की और यहाँ पर उससे बेहतर थंबनेल दिखा सजेशन में, तो भाई ज़रूर क्लिक करेगा वो बंदा, ठीक है। तो आपको थंबनेल पे भी बहुत अच्छा काम करना है और साथ ही साथ आपको कीवर्ड्स वगैरह सब यहाँ से देख लेने हैं। और अगर आपके पास ट्यूबबडी है तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने कि कौन कौन से, अगर ट्यूबबडी है तो भाई ट्यूबबडी की हेल्प से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या कीवर्ड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। और अगर आपने आपके पास ट्यूबबडी नहीं है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ट्यूबबडी कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे वर्क करता है ट्यूबबडी, मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, जा करके देख लेना भाई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।